प्रदेश विज्ञान अध्यापक संघ की जिला कार्यकारिणी की बैठक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल विद्यालय हमीरपुर में हुई, जिसकी अध्यक्षता संघ के जिला प्रधान मुकेश शर्मा ने की। इस मौके पर संघ के राज्य संयोजक केवल सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। बैठक में संघ के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज को बधाई दी, साथ ही सरकार से उनके 6 सूत्रीय मांग पत्र पर गौर करने का आग्रह किया। संघ के पदाधिकारियों ने मांग उठाई है कि मई 2003 से पहले अनुबंध पर नियुक्त हुए तथा बाद में नियमित हुए शिक्षक जीपीएफ और पुरानी पेंशन योजना में लाए जाएं। इस मांग में एक्स सर्विसमैन जिन्हें वित्तीय लाभ दिए गए हैं, सरकार ने 29 जनवरी को अधिसूचना जारी की है, उसके अनुसार वरिष्ठता सूची को दोबारा से बनाया जाए। टीजीटी पदोन्नति के समय ली जाने वाली ऑप्शन की शर्त को हटाया जाए। इस वर्ग के मिडिल स्कूलों में टीजीटी कैडर से हेडमास्टर रखे जाएं। वर्ष 2002 में नियुक्त शिक्षकों को अधिसूचना के दिन से वरिष्ठता दी जाए। संघ ने उत्तक 6 सूत्रीय मांग पत्र के अलावा पीटीए अध्यापकों को नियमित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पीटीए अध्यापक कई वर्षों से नियमित होने की राह देख रहे हैं। इस मौके पर राज्य चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के सचिव सुशील चौहान, जिला महामंत्री दीपेंद्र शर्मा, सोनी शर्मा, दिनेश ठाकुर, विवेक कौशल, ओम प्रकाश इत्यादि उपस्थित रहे। आज की जो हमारी मेन मीटिंग थी, सबसे पहले तो हमने सरकार का धन्यवाद किया, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे को आईआर बिना मांगे ही 8% दे दी, उसके लिए भी धन्यवाद देता हूं। और साथ में सभी सरकार जो नई बनी है उसके लिए भी, सभी जो जितने भी विभागों के मंत्री बने हैं उनके लिए भी हमने धन्यवाद किया। साथ में हमारी मेन जो मीटिंग है, इसका मेन मुद्दा ये था कि एक सरकार ने जो हमारे कर्मचारी हैं, जो फौजी भाई हैं, उनके लिए जो उन्होंने किया था, तो कि जो हमारी पे प्रोटेक्शन के लिए उनके लिए दिया था, और साथ में सीनियोरिटी के लिए, तो सीनियोरिटी के लिए जो था वो अभी मुद्दा जो है, हम चाहते हैं सरकार से कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको जल्दी से जल्दी लागू करने की कोशिश करें। और हमारे साथियों की एक एनपीएस जो हमारी न्यू पेंशन पॉलिसी है उसको भी सरकार जो है, हम ये चाहेंगे कि पुरानी पेंशन पॉलिसी जो है वही बहाल की जाए। साथ में हम अपने साथियों से ये भी विनम्र बेनती कर रहे हैं कि वो एकजुट होकर के सरकार के साथ साथ देकर के हर कार्य को कुशलता से करने की कोशिश करें। और हम चाहते हैं कि सरकार से काफी दिनों से मुद्दा जो है लंबित है कि जिसको साइंस प्रैक्टिकल लॉस जो है वो 150 रुपए से 1000 रुपए किया जाए। साथ में हमने बोर्ड के जो शक्ति के साथ मीटिंग हुई थी उसके बारे में चर्चा की, जो हमारे मैथ के विषय में हम चाहते थे कि ऑप्शन जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन जो है उसमें किया जाए और 4 ऑप्शन हो, तो उसके लिए भी हम चाह रहे हैं कि शक्ति साहब का उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम उसको करेंगे, तो हम उसका उनका धन्यवाद करते हैं।